नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील मौर्य। आप देख रहे हैं एसएम टेक्नो गुरु। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पोर्ट्स के बारे में। और पहले तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से पोर्ट मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। वैसे तो पोर्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 3 पोर्ट्सों के बारे में जिक्र करेंगे। तो पहला पोर्ट है यूएसबी टाइप ए, जो कि जनरली हम इस पोर्ट का यूज करते हैं। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप बहुत सारी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है यूएसबी टाइप बी। इस पोर्ट का यूज मैक्सिमम प्रिंटर में यूज किया जाता है या फिर आधार मशीन में यूज किया जाता है और अन्य बाकी मशीनों में यूज किया जाता है, लेकिन यह कम मात्रा में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है USB टाइप सी। इस समय जो भी मोबाइल आ रही है उसमें USB टाइप सी आ रहा है। इसके पहले जो मोबाइलें आती थी उसमें USB जो भी पोर्ट आता था V8, V3, इस तरह से बहुत सारे पोर्ट्स आते थे, लेकिन इसमें हम इन तीनों पोर्ट्स के बारे में ही जिक्र करेंगे। इस समय जो भी USB टाइप सी आ रहा है, जो भी नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें USB टाइप सी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्पीड इसकी अच्छी मिलती है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे USB के जो ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी कि USB टाइप ए के बारे में, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि USB 2.0 क्या होता है, USB 3.0 क्या होता है। दोस्तों, USB 2.0 के पहले चलता था USB 1.0, जिसकी स्पीड थी 12 MB/s। यह USB इस समय यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद 2.0, जिसका यूज मैक्सिमम लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज किया जाता है। इस समय जो भी लैपटॉप आता है उसमें जो अगर 3 पोर्ट दिया रहता है तो उन 3 पोर्ट में 2 पोर्ट आपको 2.0 का USB दिया रहता है। 2.0 पोर्ट का स्पीड 480 MB/s मिलता है। उसके बाद आता है USB 3.0 पोर्ट, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 5 GB/s तक मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप सोचते होंगे कि इतना स्पीड कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपका पेन ड्राइव 3.0 पोर्ट की स्पीड देता है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे भी इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए लैपटॉप में इंसर्ट किए, तो लैपटॉप का USB पोर्ट 2.0 है, तो वहाँ पर 2.0 का ही स्पीड मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि 2.0 में 480 MBPS/s मिलता है, तो यहाँ पे इतना इससे कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप की भी स्पीड डिपेंड करता है, पेन ड्राइव के इंटरनल मेमोरी के भी स्पीड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका पेन ड्राइव ज़्यादा फुल रहेगा उसकी स्पीड उतना ही कम मिलेगी। खाली पेन ड्राइव रहेगी तो उसकी स्पीड अच्छी मिलेगी। USB 3.0 में मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। इस स्पीड का इस पे ध्यान रखिएगा कि यह 3.0 ही लगेगा, तभी यह मैक्सिमम स्पीड आपको मिलेगी। 2.0 पोर्ट की स्पीड मैक्सिमम 480 MB/s मिलेगा और 3.0 पोर्ट की स्पीड मैक्सिमम 5 GB/s तक मिलेगा। तो इस समय मैक्सिमम लैपटॉपों में 3.0 जरूर देखने को मिलेगा, जिसका यूज करके हम अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं या जो भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसमें स्पीड आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो ये तो रहा 2.0 और 3.0 USB पोर्ट के बारे में। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि 2.0 और 3.0 पोर्ट्स में क्या अंतर है। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।